वार्ड नंबर 2 के कोटड़ा में मैं ट्री गार्ड किया वृक्षारोपण। कोटड़ा प्रवेश द्वार सहित वार्ड में सड़क किनारे लगाए 30 नीम वृक्ष। बुधवार को वार्ड नंबर 2 में कोटड़ा प्रवेश द्वार सहित कॉलोनी की सड़क के किनारों पर 30 नीम के पेड़ मैं ट्री गार्ड के लगाए गए। हरित अजमेर के तहत प्रकृति संरक्षण को लेकर मेहंदीपुर बालाजी धाम और तेजाजी धाम सर्वधर्म समिति के पूनम चंद, गोवर्धन लाल आदि के तत्वाधान में पार्षद मनोज मामनानी और मनोनीत पार्षद मनवर खान कायम खानी ने अपने साथियों के साथ वृक्षारोपण किया और वृक्षों का पालन पोषण करने का दायित्व भी उठाया। उन्होंने बताया कि जिस तरह से कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से लोग हताहत हुए, ऐसे में पर्यावरण को हरा भरा रखने का दायित्व भी हमारा ही है ताकि भविष्य में ऑक्सीजन की कमी ना हो। यह कार्य पूरे मानसून के दौरान लगातार जारी रहेगा। पूरे वार्ड को हरा भरा बनाकर रखेंगे। आज हमने जो कोटड़ा का प्रवेश द्वार है उसमें कोटड़ा सर्वधर्म समिति जो हमारे यहाँ तेजोक मंदिर की, उसमें पूनम चंद जी, हमारे गोवर्धन लाल जी, उनके सानिध्य में हमने मेयर साहब के सहयोग से 30 तो ट्री गार्ड और 30 नीम के पेड़ जो मैंने चुनाव में वादा किया था कि मैं कोटड़ा की एंट्री हरी भरी हो हमारी, तो मैंने आज पूरा किया और वो 30 पेड़ लगवाए मैंने। और हमारे इसमें शामिल मनोहर खान जी भी शामिल थे जो अभी मनोनीत पार्षद आए हैं हमारे यहाँ से। तो अब क्या ये हमारा शुरू हो चुका है पेड़ लगाने का सिलसिला, तो हम ये जारी रहेगा और हम पूरे वार्ड को हरा भरा बनाएंगे। सभी पूरे वार्ड में लगेंगे आप? पूरे वार्ड में लगेंगे बिल्कुल। किस तरह के पेड़ लगा रहे हो आप? नीम के, और हम लगाएंगे नीम और गुलमोहर के पेड़ जो छायादार वृक्ष और ऑक्सीजन वाले, ज़्यादातर नीम के पेड़ पे ज़्यादा हमारा ध्यान रहेगा लगाने पे। अच्छा, पेड़ लगाने का उद्देश्य क्या आपका? उद्देश्य अभी आपने देखा था कोरोना काल के अंदर ऑक्सीजन की कितनी कमी थी, कितनी जाने गई है, तो इससे ऑक्सीजन भी बढ़ेगी और पर्यावरण भी बढ़िया रहेगा, हरियाली रहेगी। आज हमने प्रकृति संरक्षण दिवस के ऊपर कोटड़ा का जो मेन एंट्रेंस है, जो ये रोड मेहंदीपुर बालाजी धाम जाता है, तेजाजी धाम जाता है, उसमें तेजाजी धाम और मेहंदीपुर बालाजी के सानिध्य में निर्वाचित पार्षद, मनोनीत पार्षद और तेजाजी समिति के अध्यक्ष के साथ हम लोगों ने और साथियों के साथ पेड़ लगाए हैं, वृक्षारोपण किया है। ये वृक्षारोपण कंटिन्यू रहेगा। अभी गत समय में हमने देखा था कोरोना काल में बहुत ऑक्सीजन की कमी हुई थी, उसका केवल मात्र एक ही कारण था, हरियाली नहीं थी, पेड़ पौधे नहीं थे, उससे आम पूरा प्रदेश देश परेशान हुआ था ऑक्सीजन को लेके। तो हम सब ने ये मिलकर निश्चय किया है कि अधिक से अधिक पेड़ हम लगाएंगे और प्रत्येक घर के सामने भी लगाएंगे। उस घर वाले की जिम्मेदारी होगी कि उस पेड़ की रखवाली अपने एक बच्चे की तरह करें जब तक वो पूरा बड़ा नहीं हो जाए। जय हिंद, जय भारत।